साशा बैंक्स के रिटर्न से जुड़ी अच्छी खबर आई सामने। ब्रॉक लेसनर क्या मनी इन द बैंक लूज करने वाले हैं और जानेंगे जॉन सीना का सुपर शोडाउन में क्या रोल रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम तीन बड़ी खबरें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर से जुड़ी खबर अभी तक आप तक पहुंच चुकी होगी कि ब्रॉक लेसनर को स्टेफनी मैकमैन करने वाली है पनिश, क्योंकि उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की मर्यादाओं की बेइज्जती की है। यानी कि एक तरीके से उन्होंने नाचकर एक तरीके से ब्रीफकेस का बूम बॉक्स बनाकर WWE की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ऐसे में दोस्तों उन्हें क्या सजा दी जाएगी, इस पर स्पेकुलेशन चालू है। और गाइस मुझे यहां क्या लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सजा कितने हद तक जायज है। तो गाइस जायज तो ये बिल्कुल भी नहीं है। WWE न जाने क्यों उन्हें सजा दे रहा है, क्योंकि उन्होंने ब्रीफकेस को जीता है, वो उसके साथ जो मर्जी करे। लेकिन दोस्तों WWE सजा दे रहा है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। प्रोबेबली दोस्तों जो ब्रॉक लेसनर है, जो कि एडवर्टाइज किए गए हैं सुपर शोडाउन के लिए, उन्हें वाकई में सुपर शोडाउन में मैच देने का एक WWE का प्लान है। और प्रोबेबली सजा ये हो सकती है कि उनसे जबरदस्ती कैश इन कराया जाए और जो मैच है यानी कि बैरन कॉर्बिन वर्सेस सेथ रॉलिंस, वो बन जाए ट्रिपल थ्रेट। तो पहली चीज तो ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है दोस्तों, कि जो ब्रॉक लेसनर है उनका ब्रीफकेस दांव पर रखा जाए 50-man रॉयल रंबल के अंदर। अब यहां दोस्तों मुझे क्या लगता है, मुझे यहां दोस्तों पहला ऑप्शन सही लगता है, क्योंकि दोस्तों अगर वो हो जाता है तो मैच काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का पास्ट हम जानते हैं, वो जब भी ट्रिपल थ्रेट मैच में उतरे हैं उन्होंने धमाल मचाई है। लेकिन दोस्तों क्या होता है वो तो हमें रॉ में ही पता चलेगा। बट अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है साशा बैंक्स से। तो काफी बढ़िया खबर आ रही है दोस्तों, साशा बैंक्स और WWE के रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो हुआ क्या था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल साशा बैंक्स जो उनकी बुकिंग हुई थी, जो वो आइकॉनिक्स के खिलाफ अपने टैग टाइटल्स हारी थी रेसलमेनिया में, उससे खासी खुश नहीं थी और उसके चलते उनकी और मैनेजमेंट की लड़ाई हो गई थी। और तब से लेकर अभी तक उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे कंपनी और उनके बीच में खटास बढ़ती गई। लेकिन दोस्तों माना यह जा रहा है कि हाल ही में उनकी विंस मैकमैन से मीटिंग हुई है और यह बताई जा रही है 23 मई को यह मीटिंग हुई थी। और इसमें दोस्तों माना यह जा रहा है कि उनकी और विंस की इस मीटिंग में प्रोबेबली उनके रिश्तों में सुधार आया है और उनका रिटर्न दोस्तों समर के आसपास माना जा रहा है, यानी कि समर स्लैम से पहले वो हमें फिर से WWE रिंग के अंदर देखने को मिल सकती है। तो काफी पॉजिटिव न्यूज आई है साशा बैंक्स के लिए और यहां दोस्तों साशा बैंक्स जो है वो अपनी वापसी जल्द करेगी ऐसा माना जा रहा है। बट अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है 16-time वर्ल्ड चैंपियन यानी कि जॉन सीना से। तो जॉन सीना दोस्तों सुपर शोडाउन के लिए कर सकते हैं मना। तो गाइस कई लोग सुपर शोडाउन के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जॉन सीना को, लेकिन शायद से ही ये चीज देखने को मिले, क्योंकि सुपर शोडाउन दोस्तों होने जा रहा है सऊदी के अंदर। अगर आपको याद होगा इससे पहले क्राउन ज्वेल के अंदर भी जॉन सीना देखने को नहीं मिले थे, क्योंकि उस वक्त भी दोस्तों सिचुएशन वैसी थी जैसे अब बन चुकी है। आपने बिल्कुल सही सुना है दोस्तों, इस बार फिर से US यानी कि दोस्तों अमेरिकन, जो कि काफी बड़े देश प्रेमी है, उन्होंने वही मूवमेंट चालू कर दिया है जो कि क्राउन ज्वेल के समय चालू था, यानी कि जब एक दूतावास की मृत्यु हो गई थी जिनका नाम खशोगी था। वेल ऐसे में सुपरस्टार से पूछा जा रहा है कि आपको शायद से नहीं जाना चाहिए, उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हैं सऊदी के अंदर। और ऐसे में दोस्तों सीना शायद ना जाए, क्योंकि वो मूवीज में काफी ज्यादा बिजी है और मूवीज में दोस्तों अपने कैरेक्टर को लेके वो पिछली बार भी क्राउन ज्वेल के अंदर नहीं गए थे, इस बार फिर से ये चीज हो सकती है। बट दोस्तों अगर जॉन सीना आते हैं तो उनका रोल मैं आपको बता देता हूं, तो ये चीज काफी सिंपल सी रहेगी कि सीना वहां क्या करेंगे। अगर दोस्तों सीना आते हैं और दोस्तों वो सारी चीजों को नकार देते हैं सिरे से, तो वो हमें देखने को मिलेंगे 50-man रॉयल रंबल के अंदर। तो सभी जानते हैं उनकी किसी के साथ राइवलरी नहीं है, तो उन्हें वहां एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, तो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूले। अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ बखैर।